हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जीते हुए बटारा के अंदर किसान की लूट हो रही है। वो प्याज जो पिछले साल किसान 411 जो उनकी आम सभाएं थी उसमें से 306 आम सभाओं में उन्होंने कहा था किया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब में आज एक बहुत बड़ा सोच रहे हैं कौन लोग हैं, किस काम के लिए आए हैं और किसान की मुक्ति करवानी है तो यहाँ शहर के बीच में क्यों खड़े हैं? कट चल रहा है आज किसान की शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे। खुशहाल कल 6 जुलाई से मंदसौर से ये राष्ट्रव्यापी यात्रा शुरू हुई है, किसान मुक्ति यात्रा। ये यात्रा आज से ठीक एक महीना पहले मंदसौर में जो 6 किसानों की शहादत हुई उससे पूरे देश में किसानों में जो दुख आक्रोश जो पैदा हुआ है उससे ये इस यात्रा का विचार आया कि हम मंदसौर से शुरू करें, देश में घूमते हुए दिल्ली तक पहुंचेंगे। 6 तारीख को शुरू करके 18 तारीख को हम दिल्ली जंतर मंतर पहुंचेंगे। देश के किसान संगठनों का सबसे बड़ा समूह, सबसे बड़ा समन्वय, सबसे बड़ी छतरी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तमाम जगहों के किसान संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं और देश भर के किसान आज दो मांगों पर सहमत हो गए हैं। पहला, खेती को मुनाफे का दाम मिले, फसल का पूरा दाम हो, और दूसरा कर्ज से मुक्ति। इन दोनों मांग को लेके हम यहाँ तैयारी करते हुए जा रहे हैं। जंतर मंतर पहुँचेंगे 18 तारीख को, संसद का सत्र उस दिन कायदे से शुरू होगा और वहाँ बैठकर हम इसके लिए एक लंबा संघर्ष चलाएंगे। हम जो मांग रहे हैं तो सरकार के वायदे थे, मोदी जी ने खुद, उनकी पार्टी ने लिखित रूप में वायदा किया था कि लागत से 50% ज़्यादा दाम किसान को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि कर्जे से मुक्ति होगी, सबका विकास, किसान का भी विकास, लेकिन सत्ता में आके पलट गए। तो इसलिए आज देश भर का किसान नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार से और ऐसी तमाम सरकारों से वही मांग रहा है जो इन्होंने खुद वायदा किया था। वही हम मांग कर रहे हैं, उसी के ऊपर टिके हुए हैं और हमें विश्वास है कि अब जब किसान एक हो गया है और अब जबकि किसान अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख रहा है, संघर्ष करने के लिए तैयार है, तो इसलिए इस पर जरूर असर होगा और बदलाव होगा। तो यहाँ के सीएम का ये कहना है कि युवाओं को उन्होंने संदेश दिया कि किसान मत बनो, उद्योगपति अंबानी बनो, क्या लगता है, क्या मानसिकता ये जा रही है सरकार की? मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये तय कर रहे हैं कि वो किसान को क्या मानते हैं। कभी वो किसान के मामा हैं, कभी वो खुद किसान हैं, कभी वो किसानी ख़त्म करना चाहते हैं, कभी किसान स्मगलर हैं, तस्कर हैं, वो एक बार फैसला कर लें। अगर जिन लोगों ने आंदोलन किया वो तस्कर थे, स्मगलर थे, और जो लोग मारे गए 6 शहीद, अगर वो स्मगलर थे तो भाई स्मगलर को 1 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हो? उनके परिवार के बाकी लोगों को भी पकड़ो, सबको अंदर करो। और अगर वो नहीं थे तो उनकी हत्या किसने की? जिसने हत्या की उसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाओ। तो ये कहीं ना कहीं मुझे इस राज्य में, लेकिन केवल मध्य प्रदेश में नहीं, सब तरफ इतनी घोर किसान विरोधी मानसिकता झलकती है। इस देश में किसान वैसे ही पिसा हुआ और उसके ऊपर उस पर जिल्लत और डाली जाती है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, अगर वो किसान के सचमुच बच्चे हैं तो कम से कम किसान का अपमान करना बंद कर दे, इतना मेरा अनुरोध रहेगा।